Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss essay type test. In your syllabus, it is the concept of essay type test and objective type test and the difference between the two. So, first of all, I am starting with essay type test and it must be useful for all of us, for our general awareness, for our general understanding about the concept of essay type test. Okay. So let's start. Essay type test, हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं निबंधात्मक परीक्षण या निबंधात्मक प्रश्न, या इसको सब्जेक्टिव आइटम भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है आपका, मतलब जो सब्जेक्ट आप एज अ सब्जेक्ट उस आंसर में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपसे आपको कुछ लिखना है, आपको कुछ व्यवस्थित करना है, आपको कुछ ज्यादा बताना है, टू द पॉइंट नहीं है. और टीचर का भी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, ग्रेडर का, जो उसको ग्रेड कर रहा है, जो उसको मार्क कर रहा है, उसको ऑब्जेक्टिवली मार्क नहीं कर सकता है, इसलिए ये सब्जेक्टिव आइटम भी कहलाता है. इट परमिट्स द स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट एन ओरिजिनल आंसर. ये जो प्रकार का परीक्षण है, विद्यार्थी को अनुमति देता है, परमिट करता है उसको कि आप एक मौलिक उत्तर की रचना करें और उसमें अपने ज्ञान को संगठित करके प्रेजेंट करें. सब्जेक्टिव आइटम्स इंक्लूड शॉर्ट आंसर एस्से, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एस्से, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड परफॉर्मेंस टेस्ट आइटम्स. जनरली हम लॉन्ग आंसर टाइप को या ऐसे टाइप को सिर्फ समझते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न है, लेकिन इसके अंतर्गत शॉर्ट आंसर एस्से भी आता है. एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एस्से मतलब कि आप अपने रिस्पॉन्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि आपको कुछ ज्यादा लिखना है, जैसे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन ईयर और ओपन एंडेड क्वेश्चन ईयर. ओपन एंडेड में हमने आपको बता दिया है कि अगर ऐसा है तो क्यों है, तो उस क्यों का जवाब आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड परफॉर्मेंस टेस्ट आइटम्स, ये सभी ऐसे टाइप टेस्ट के अंतर्गत आते हैं. और द एसे टेस्ट इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट. जितने भी शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण है उसमें ऐसे टाइप टेस्ट सबसे ज्यादा मोस्टली सबसे ज्यादा पॉपुलर है. कैसे? कि हमको कोई सरप्राइज टेस्ट लेना है क्लास में तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, हमने जो आपको पढ़ाया है हम उस पर 2-3-4 प्रश्न आपसे पूछ लेंगे. क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है और हम उससे आपसे कवर कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं. इन जनरल अ क्लासरूम एसे टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू विच द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट हिज और हर एबिलिटी. मतलब जो इन जनरली, मतलब जनरल सामान्यतया जब कक्षा कक्ष में एक ऐसे टेस्ट हम पूछते हैं आपसे, ऐसे टाइप टेस्ट, तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनसे कि हम स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी योग्यता का डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, प्रदर्शन करेगा. कैसे? सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉल फैक्चुअल नॉलेज. हमने जो आपको पढ़ाया है, जो बताया है, जो सिखाया है, वो तथ्यात्मक ज्ञान आपको पुनः स्मरण करना होगा. ऑर्गेनाइज दिस नॉलेज, फिर आपको उस ज्ञान को संगठित करना होगा. एंड प्रेजेंट द नॉलेज इन अ लॉजिकल इंटीग्रेटेड आंसर टू द क्वेश्चन. और जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसमें पहले ज्ञान को याद करके, ज्ञान को संगठित करके आपको उसको प्रदर्शित करना होगा, प्रेजेंट करना होगा उस ज्ञान को एक लॉजिकल तरीके से. ऐसा नहीं आगे पीछे नहीं चलेंगे, आप लॉजिकली चलेंगे जो पूछा गया है वैसे. पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन. पहले कंक्लूजन नहीं लिखा जाता है ना. और आप एक इंटीग्रेटेड तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. एन एसे टेस्ट आइटम कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एसे आइटम और अ शॉर्ट आंसर एसे आइटम. The later calls for a more restricted or limited answer in terms of form or scope. वो कह रहे हैं कि ऐसे टेस्ट आइटम को क्लासीफाई किया जा सकता है या तो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में ऐसे आइटम में या शॉर्ट आंसर ऐसे आइटम में. और लेटर कॉल्स फॉर ए मोर रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड आंसर इन टर्म्स ऑफ फॉर्म और स्कोप. जो बात वाला है, मतलब शॉर्ट आंसर ऐसे आइटम है, वो थोड़ा लिमिटेड है. और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स वाला आप लिखने के लिए स्वतंत्र है कि आप ज़्यादा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं. ठीक है. फिर when to use essay test, essay test को use कब करें? Essay tests are specially appropriate when the group to be tested is small and test is not to be reused. जब छोटे, मतलब कम बच्चों का परीक्षण लेना हो क्लास में, आपकी 10-15-20-25 बच्चे हैं, उनकी कॉपी चेक करना आपके लिए ईजी है और उसको आपको दोबारा यूज नहीं करना है. दोबारा बनाना होगा, हम दोबारा नए तरीके के प्रश्न पूछ लेंगे. यू विश टू इनकरेज एंड रिवॉर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट स्किल्स इन राइटिंग. हम ये चाहते हैं, हम इनकरेज करना चाहते हैं और हम रिवॉर्ड देना चाहते हैं विद्यार्थियों को कि उन्होंने राइटिंग स्किल का अगर अच्छा डेवलपमेंट किया है, डेमॉन्स्ट्रेशन किया है, तो हम अगर उसको इनकरेज करना चाहते हैं तो आप ऐसे टाइप टेस्ट पूछ लीजिए. यू आर मोर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द स्टूडेंट्स एटीट्यूड्स देन इन मेजरिंग हिज और हर अचीवमेंट. उसकी उपलब्धि से ज्यादा अगर हम उसका एटीट्यूड जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमारी रुचि उसमें ज्यादा है, तो भी ऐसे टाइप टेस्ट उचित है. एडवांटेजेस क्या है, इसके लाभ क्या है? हम ऐसे टाइप टेस्ट पूछें तो उसका क्या लाभ होगा हमको? ये इजियर है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग टू कंस्ट्रक्ट देन मोस्ट अदर आइटम टाइप्स.
कोई भी और प्रकार का आपको परीक्षण पूछना हो, प्रश्न पूछने हो, उसमें से सबसे जल्दी ये बन जाएगा, सबसे कम समय आपका जाएगा ऐसे टाइप, यानी कि टीचर के लिहाज से बनाने में ईजी है, चेक करने में कंज्यूमिंग है. प्रोवाइड अ मीन्स फॉर टेस्टिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कंपोज और आंसर एंड प्रेजेंट इन ए लॉजिकल मैनर. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि विद्यार्थी एक आंसर को कैसे कंपोज करता है, कैसे उसकी रचना करता है, कैसे उसको लॉजिकली प्रेजेंट करता है, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं तो ऐसे टाइप टेस्ट बढ़िया है. और कैन एफिशिएंटली मेजर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. हम सबको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पता है, नहीं पता है तो जरूर आपको पता होनी चाहिए कि LOTS लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या है. तो आपका एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन हायर ऑर्डर में जाता है, तो आप हायर ऑर्डर चेक कर सकते हैं, यानी कि बच्चे ने कैसे एनालाइज किया, उसने कुछ चीजों को कैसे जोड़ के बनाया, कैसे फ्लो चार्ट बनाया, कैसे वो किसी चीज के इवैल्यूएशन लेवल पे पहुंचा है, ये सब आप सिर्फ ऐसे टाइप टेस्ट से चेक कर सकते हैं, ये आप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू से नहीं चेक कर सकते. तो इन सब चीजों को अगर चेक करना है तो ये आप ऐसे टाइप टेस्ट आपके लिए लाभकारी है, यानी इन दशाओं में आप ऐसे टाइप टेस्ट यूज करें देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल. पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस हैं. क्या कैनॉट मेजर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स. आप सवाल कितने पूछेंगे, चार पूछ सकते हैं, पांच पूछ सकते हैं, हद से हद लॉन्ग आंसर में. तो आप सिर्फ पांच तरीके की चीजें पूछ सकते हैं ना, पांच प्रकार के प्रश्नों का समाधान उनसे चाह सकते हैं, तो बहुत ज्यादा कंटेंट या ऑब्जेक्टिव इसमें कवर नहीं हो पाता है. जनरली प्रोवाइड लो टेस्ट एंड टेस्ट स्कोर और रिलायबिलिटी नहीं है. हम चेक करेंगे तो कुछ और नंबर मिलेगा, कोई और चेक करेगा तो कुछ और नंबर मिलेगा, तो टेस्ट स्कोरर की रिलायबिलिटी इसमें नहीं है, कम है. रिक्वायर एन एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स टाइम टू रीड एंड ग्रेड. बना तो हम जल्दी देंगे लेकिन चेक करने में टाइम लगेगा, पूरा पढ़ेंगे फिर हम उसमें नंबर देंगे फिर उसका कैलकुलेशन एवरीथिंग एंड ऑल. फिर जनरली डू नॉट प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट और एबिलिटी. और इससे विद्यार्थी की वस्तुनिष्ठ प्रकार का उपलब्धि और योग्यता का परीक्षण भी नहीं हो पाता है. सब्जेक्ट टू बायस ऑन द पार्ट ऑफ द ग्रेडर. जो ग्रेडर है उसके वो उसका बायसनेस आ जाता है चेक करने में. हम किस तरीके के आंसर को सही मानते हैं उसको ज्यादा नंबर देंगे. कोई स्पेलिंग को ज्यादा मार्क करता है उसको ज्यादा नंबर देगा, कोई राइटिंग को ज्यादा मार्क करता है उसको ज्यादा नंबर देगा, तो वो ग्रेडर की उसमें बायसनेस आ जाती है. देन सजेशंस फॉर राइटिंग टेस्ट आइटम्स, कि आपके लिए क्या सजेशन है कि कैसे आप बढ़िया ऐसे टाइप टेस्ट के आइटम्स बना सकते हैं. सबसे पहले प्रिपेयर ऐसे आइटम्स दैट एलिसिट द टाइप ऑफ बिहेवियर यू वांट टू मेजर. वो कह रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्न बनाइए जिससे कि आप वो मेजर कर सकें जो आप मेजर करना चाहते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार मेजर करना चाहते हैं वही पूछिए. फ्रेज ईच आइटम सो दैट द स्टूडेंट्स टास्क इज क्लियरली इंडिकेटेड. हर आइटम को इतनी खूबसूरती से आप लिखिए कि आप बच्चे को बिल्कुल पता हो कि उसको क्या डेमॉन्स्ट्रेट करना है, कि डिस्क्राइब करना है, कि एनालाइज करना है, कि लिस्ट आउट करना है, कि डिफरेंशिएट करना है, जो चाहिए आपको क्लियरली इंडिकेशन उसका आइटम में होना चाहिए. इंडिकेट फॉर ईच आइटम अ पॉइंट वैल्यू और वेट एंड एन एस्टिमेटेड टाइम लिमिट फॉर आंसरिंग. जनरली हमको क्या करना चाहिए कि प्रश्नों, अगर मान लीजिए उस प्रश्न के तीन चार हिस्से हमने बनाए हैं तो आप बता दीजिए कि हर हिस्से के लिए हमने कितना पॉइंट वैल्यू या वेट डिटरमाइन किया. अगर 12 नंबर का प्रश्न है और उसके चार भाग है तो तीन तीन नंबर का है, या दो दो नंबर का है, छः छः नंबर का, जिस तरीके से भी आपने उसको डिवाइड किया, जो भी आपने उसको वेटेज दिया है वो आप बताइए, इंडिकेट कीजिए, और अगर हो सके तो टाइम लिमिट भी बता दीजिए कि इतने ही समय में इसको हल कर लेना है, तो बच्चे को भी एक आइडिया रहेगा कि हाँ आधे घंटे में हमको ये प्रश्न हल कर लेना है. जनरली हम वेटेज तो देते हैं, टाइम लिमिट नहीं देते हैं. Ask questions that will elicit responses while experts could agree that one answer is better than another. इस तरीके से हमको प्रश्न पूछने हैं जिससे कि जो एक्सपर्ट है, जो पैनल ग्रुप है, वो एग्री कर सके कि ये वाला उत्तर इस वाले उत्तर से बेहतर है, तो जो बेहतर होगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे. इट इज जनरली रिकमेंडेड फॉर क्लासरूम एग्जामिनेशन टू एडमिनिस्टर सेवरल शॉर्ट आंसर आइटम्स रादर देन ओनली वन और टू एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम. दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछने से अच्छा है कि तीन चार शॉर्ट आंसर पूछ लीजिए, ये कह रहा है, तो इस तरह से आप बेहतर कर पाएंगे. स्कोरिंग के लिए भी सजेशन है कि स्कोर कैसे करें. दो तरीके के इसके स्कोरिंग के पैमाने हैं जो हम यूज करते हैं, हो सकता है नाम ना पता हो पर हम सभी इसको यूज करते हैं. क्या है, एक एनालिटिकल स्कोरिंग है और ग्लोबल क्वालिटी है. एनालिटिकल स्कोरिंग में क्या है कि ईच आंसर इज कम्पेयर टू एन आइडियल आंसर एंड पॉइंट्स आर असाइंड फॉर द इंक्लूजन ऑफ नेसेसरी एलिमेंट्स. एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें रूब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, कि हमने मान लिया है कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ भी है, आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, कुछ भी है, हमने मान लिया है कि अगर आप उसकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी बताएंगे तो हम आपको तीन 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 नंबर इसके लिए देंगे और कंक्लूजन के लिए तीन नंबर देंगे, हमने 12 नंबर सेट कर लिए. तो आप देख लीजिए कि बच्चे ने अगर सब लिखा है तो उसी एनालिटिक, मतलब वो जो आइडियल आंसर है उससे कंपेयर कर करके नंबर दे दीजिए आप.
और ग्लोबल क्वालिटी में क्या है, इन टोटैलिटी आपको नंबर देना है. ईच आंसर इज रीड एंड असाइन अ स्कोर बेस्ड आइदर ऑन द टोटल क्वालिटी ऑफ द रिस्पॉन्स रिलेटिव टू अदर स्टूडेंट आंसर्स. आप देख लीजिए कि क्लास के बाकी बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया. बाकी बच्चों ने दो ही पॉइंट लिखे, आपने 10 पॉइंट लिखा है, 5 पॉइंट लिखे हैं, 6 पॉइंट लिखे हैं, तो ग्लोबली आपको उन सबसे बेहतर नंबर मिल जाएंगे. तो ये इसके स्कोरिंग का पैमाना है. तो ये हुई बात एसे टाइप टेस्ट की कि इसमें आपसे आपका आपको फैक्चुअल नॉलेज रिकॉल करनी है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है नॉलेज को, फिर उसको प्रेजेंट करना है लॉजिकली और कब कब फायदेमंद है, क्या इसकी दिक्कतें हैं, जल्दी बन जाता है पर चेक दिक्कत से होता है, टाइम लेके होता है, रिलायबिलिटी इसकी कम है, ये सारी चीजें इसमें हैं. तो ये रहा आपका ऐसे टाइप टेस्ट. फिर आप अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पढ़ेंगे सुनेंगे और फिर दोनों में कंपैरिजन देखेंगे. फिर ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की कौन कौन से टाइप्स हैं वो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कई तरीके के हैं. सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड अ वेरी बेसिक एंड यू कैन से इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू ऑल, ऐसे टाइप टेस्ट. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.